अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक इकोलिंकर सीवर है DL-800CD और इसमें फॉल्ट ये कि ये आप देखते ये लोडिंग के ऊपर रुका हुआ है, लोडिंग शो करा रहा है, इससे आगे ये नहीं चल रहा है। और जो इसका फ्रंट डिस्प्ले है वो भी ये आप देखते हैं अप डाउन हो रहा है, जैसे इसकी कुछ ही शार्ट हो या फिर इसको सही तरह से वोल्टेज ना मिल रहे हो तो ये इस तरह का शो हो रहा है। तो आज हमने इस रिसीवर को मरम्मत करना है कि इस हमारे रिसीवर में से इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से हमारा रिसीवर ऑन नहीं हो रहा, लोडिंग के ऊपर ही रुका हुआ है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदसर लिखोकर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरीके आने वाली वीडियो आपको वक्त पर। तो अब हम इस रिसीवर को ओपन करते हैं। तो रिसीवर को ओपन मैंने कर दिया है और जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं कि जो हमारा रिसीवर है क्या है उसको पावर सप्लाई की तरफ से वोल्टेज ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर पावर सप्लाई की तरफ से वोल्टेज ठीक आ रहे हैं तो फिर हमने इसका कार्ड को देखना होता है। तो ये है जी इसकी पावर सप्लाई का जैक, तो ये इसके आ रहे हैं जी 2.98 वोल्टेज, ये ठीक नहीं आ रहे। तो ये इसके 8 आ रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं है, ये इसका ग्राउंड है। तो अब हम इसको ओपन करके इसके वोल्टेज चेक करते हैं क्या इसकी पावर सप्लाई ख़राब है या फिर आगे से कार्ड शार्ट है जिसकी वजह से ये वोल्टेज डाउन शो करा रहा है। ये ग्राउंड है और इसको जो सप्लाई लगाई गई है वो 12.5 वाली है, ये इसके 10 आ रहे हैं और ये इसके 5 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है जी, जो पावर सप्लाई का मसला है पावर सप्लाई को अलग से चेक किया जाए तो इसके वोल्टेज बिल्कुल ठीक शो होते हैं। अगर इसको इसके ऊपर लोड डाला जाए तो ये फिर इसका फॉल्ट शो होता है। ठीक है जी, तो इसके आप देख सकते हैं कि इसमें इसका ये वाला जो कैपेसिटर है इसका ऊपर से कवर ही उतर चुका है, ये आप देख सकते हैं ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से ये इसका कैपेसिटर ख़राब हो चुका है। तो अब हम इसकी पावर सप्लाई को ओपन करते हैं और इसकी ये जो कैपेसिटर है इसको चेंज करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो कैपेसिटर का खोल है ये ऊपर से उतर गया है और इसकी वैल्यू है 1000 UF 10 वोल्टेज में। ठीक है जी, तो अब हम इसको ओपन करेंगे और इसकी जगह पर और लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये इसका कैपेसिटर ख़राब है और ये मैंने ओपन कर दिया, इसको सप्लाई से बाहर निकाल दिया और अब हमारे पास एक ये कैपेसिटर है और इसकी भी वैल्यू 1000 UF 10 वोल्टेज में है, 16 वोल्टेज में। तो अब हम इसकी जगह पर ये लगाएंगे और जब भी आपने लगाना है इसका ये नेगेटिव और पॉजिटिव देखकर लगाना है। ठीक है जी, तो ये इसका नेगेटिव और ये इसका पॉजिटिव है। ये आप देख सकते हैं कैपेसिटर को मैंने लगा दिया है। ठीक है जी, तो ये इसकी वायर उतरी है तो अब हम इसकी ये वायर भी लगाएंगे, ये इसकी ग्राउंड की है तो उसके बाद इसको हम पावर देंगे। सप्लाई की मैंने फिटिंग कर दी है तो अब हम इसको ये इसका पावर जैक लगाएंगे और इसको वो के बाद इसको चेक करते हैं कि अब ऑन होता है कि पहले जैसा ही है।
आप देख सकते हैं अब हमारा रिसीवर आन मुकम्मल हो चुका है, तो इसका की पैड वगैरह भी वर्क कर रहा है। ठीक है जी, तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।